Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 18 Accounts of Non-Trading Organizations. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you simplified ways to understand accountancy. Focus hamara hai visually impaired persons accounting ke concepts ko acche se samajh paaye. Aksar kaha jata hai ki visually impaired persons ke liye accountancy samajhna kathin hai. Yadi hum thoda sa effort kare to main objective concept samajhna hai, accounting ke behavior ko samajhna hai, जिससे हम जेआईबी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जो एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे उनको बहुत अच्छे से आंसर करके बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं. मैंने बहुत विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स को देखा है जिन्होंने अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इन मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 18 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग के बारे में. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, सोसाइटीज, ये अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनसे फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं. फ्रेंड्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, जिनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है, पर्पस सर्विस है, एक एम्पावरमेंट है, सोसाइटी के अंदर नीड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना है. इन की मैनेजमेंट ज्यादा सिंपल होती है, साइज रीजनेबल होता है, इसी के लिए स्पेशलाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड वेज हैं अकाउंटेंसी के जिसे हम समझेंगे. फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस फीस लेती हैं, इंस्टॉलमेंट्स लेती हैं, डोनेशंस लेती हैं, इस सब का इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, इस रिकॉर्ड को सबमिट करना होता है लोकल अथॉरिटीज के पास, गवर्नमेंट के पास, फाइनेंशियल एजेंसीज के पास, जहां से इनकी फंडिंग होती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इन्हें देने होते हैं और अपने एक एक पैसे का हिसाब देना होता है. इसलिए इन्हें अकाउंटिंग मेंटेन करना इनके लिए मैंडेटरी है. इनकी ऑडिटिंग भी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो बुक्स मेंटेन करती हैं वो इस प्रकार से हैं. फर्स्ट, कैश बुक. सेकेंड, जर्नल लेजर. सी, जर्नल. डी, मेंबरशिप रजिस्टर. ई, डोनेशन रजिस्टर. एफ, प्रॉपर्टी रजिस्टर. स्पेशल रजिस्टर्स, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी रजिस्टर्स, जस्ट लाइक स्टूडेंट रजिस्टर, टीचर रजिस्टर एटसेट्रा. नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में बनाए जाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तीसरा, बैलेंस शीट. फर्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अक्रूअल बेसिस पर नहीं बनता, कैश बेसिस पर बनता है. जो भी इस साल रिसीट्स ली गई, जितना भी इनवर्ड रिसीट हुआ, कलेक्शन की गई, वो सारा रिसीट्स की साइड. जो भी पेमेंट्स करी गई इस फाइनेंशियल ईयर में, वो पेमेंट साइड में होगी. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम क्रेडिट साइड में, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में शो किया जाता है. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल बेसिस पर होता है, कैश बेसिस पर नहीं होता. जो इस फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम है, वही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. जो इसी साल के एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. फ्रेंड्स, जितनी भी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएंगी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दो में कुछ डिफरेंस है? डेफिनेटली है. क्या है, इसे हम समझते हैं. पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स. रिसीट एंड पेमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी शो करता है, कब कब कितना पैसा आया
और कब कब कितना पैसा गया वो रहेगा किसमें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो रिफ्लेक्ट करेगा कितनी इनकम हुई, रियल ओनर कितना ओन्ड पैसा उस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ इनकम इनफ्लो हुआ और कितना पैसा एज एन एक्सपेंडिचर बाहर गया जो उसने एक्सपेंडिचर किया। रिसीट एंड पेमेंट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उस पीरियड के अंदर जितनी भी रिसीट्स हुई और जितनी भी पेमेंट्स हुई इंक्लूडिंग रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एंट्रीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम देखें तो इसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स हैं जिनका इम्पैक्ट एक साल तक ही रहेगा, चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। एक साल के इम्पैक्ट के जितनी भी आइटम्स हैं जो उस साल के लिए अक्रू कर रही हैं, जिस साल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जा रहा है, उसी एंट्रीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह है, इसमें एक ओपनिंग बैलेंस होगा और इसमें क्लोजिंग बैलेंस होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, उसमें जितनी भी इनकम है वो राइट साइड शो करते हैं, जितनी भी एक्सपेंडिचर और लेफ्ट साइड शो करते हैं और लास्ट में शो करते हैं रेसिडुअल और सरप्लस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सर्टेन स्पेशल ट्रीटमेंट्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिखाता है कि 10 लाख रुपए बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिले, रिसीव हुए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगा, ये क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग रिजर्व्स के लिए, तो ये बिल्डिंग रिजर्व में बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी या एंट्रेंस फी वन टाइम अफेयर है, ये एक तरह का कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनफ्लो है। जो भी रिसीट हुआ है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रादर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। मेंबर्स मनी, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मेंटेनेंस के लिए, हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है तो वो बेसिकली इनकम है, इनकम में रिफ्लेक्ट होगा, उसी साल में यूजेज होगा, रेवेन्यू इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1 करोड़ रुपया, तो ये बिल्डिंग रिजर्व में रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे, बिल्डिंग रिजर्व या कोई भी रिजर्व्स सब लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे और इन रिजर्व के अगेंस्ट जितना भी बैंक बैलेंस बढ़ा है या कैश बढ़ा है वो असेट साइड में दिखाई पड़ेगा। जो भी फंड क्रिएट करे गए हैं उन फंड्स के रिलेटेड एक्सपेंडिचर उस फंड में से माइनस कर दिए जाएंगे जिस फंड, जिसके लिए फंड वो बनाए गए थे। एग्जाम्पल, दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए डोनेशंस ली गई और एक फंड बनाया गया दिवाली फंड, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उस दिवाली मेले पर वो उसी दिवाली फंड से खर्च करके उसे उसी में एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट। कुछ ओपनिंग स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट होगा सर्टेन अमाउंट का और कुछ क्लोजिंग होगा। जो ओपनिंग के बाद और क्लोजिंग के बीच में जितना भी एक्सपेंडिचर स्टेशनरी इक्विपमेंट हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा और जो भी बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे जितना इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी रेसिडुअल है वो एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक हुआ 5,000, पूरे साल में 9,000 की स्टेशनरी खरीदी गई, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है से 6,000, तो एक्सपेंडिचर में पुट फॉरवर्ड करेंगे 8,000 और जो 6,000 रहे ये बैलेंस शीट में शो होगा। रिसीट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। एक बिल्डिंग बेची गई, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा की बेची गई तो कुछ प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा हुआ है, वो इनकम में शो हो जाएगा और बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस कर दी जाएगी और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में बुक वैल्यू से ज्यादा मिला तो वो इनकम में शायद शो करेंगे क्रेडिट साइड में, अगर कम मिला बुक वैल्यू से तो वो लॉस में शो करेंगे डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में। इनकम आउटस्टैंडिंग,
एसेट साइड में शो की इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड जिनकी पेमेंट करनी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो वो इनकम में से माइनस हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगी विच इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में से माइनस कर लिए जाएंगे और दे वुड बी शोन ऑन द प्रीपेड एक्सपेंसेस साइड ऑन द असेट साइड। डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा और असेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर देगा जितना डेप्रिसिएशन लगाया गया। सो फ्रेंड्स, हम चैप्टर को समाप्त करते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्लब्स ऑपरेशनलाइज्ड हैं, इनका फोकस प्रॉफिट नहीं है, सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो रिसीट साइड लिखते जाते हैं, जो जो पेमेंट्स करते हैं वो पेमेंट साइड करते हैं। इसी रिसीट और पेमेंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है वैसे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड में शो करते हैं, इनकम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। एक्सपेंडिचर जो इस साल के एक्सपेंडिचर्स हैं वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाएंगे और इसी साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड इनकम्स ही इसमें रिफ्लेक्ट की जाएंगी। लेकिन इनमें केवल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो इस साल का इम्पैक्ट डालने वाले हैं वही इस पे आएंगे। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम्स हैं, वो बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इनकम है, वो भी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जितने भी रिजर्व्स हैं स्पेसिफिक, वो सब के सब लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। जितने भी रिजर्व्स बनाने के लिए कैश इंक्रीज होगा वो असेट साइड में शो होगा। जब भी कोई मेजर असेट बेचा जाएगा उससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर कोई लॉस हुआ है तो भी वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन जो कैश आया है और जो बुक वैल्यू रिड्यूस हुई है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। फ्रेंड्स, ऐसी डोनेशन जो लोग अपने विल से छोड़ जाते हैं और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, इन्हें लेगेसी कहा जाता है और ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट, जो भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस या ग्रांट्स मिलती हैं रनिंग के लिए, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगी, वो रेवेन्यू नेचर की हैं। जो भी बिल्डिंग परचेज, लैंड परचेज या लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए जो भी ग्रांट्स या डोनेशंस मिलती हैं वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड रिजर्व में जाएंगी और ये लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होंगी। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर है। जब जब कैश रिसीट होगा रिसीट में आएगा, जब जब कैश की पेमेंट होगी पेमेंट साइड में आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल बेसिस पर है और रेवेन्यू बेसिस पर है। बैलेंस शीट भी अक्रूअल बेसिस पर है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर है। फ्रेंड्स, हमारा एफर्ट है विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, उसी व्यू पॉइंट से ये चैप्टर बनाया गया। मुझे विश्वास है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट कैसे होती है, कैसे के कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे उसे समझा जाए, वो कॉन्सेप्ट एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन समझ आए होंगे। अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप भेज सकते हैं akagrawal99@gmail.com और मोबाइल 9999422886। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी, फोकस ऑन व्हाट यू हैव।